मैं दिनेश कुमार, आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल गंदा दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ पीड़ित आए हैं, पुलिस अधीक्षक से फरियाद किया है कि इनके बेटे की करीब 3 महीने पहले शारीरिक परिस्थिति में मौत हो गई थी, तो इनका क्या कहना ये भी हम जानेंगे। और उसमें से 3 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए जो है कई बार थाने को भी आए हैं जो कोतवाली नगर लगती है, और जो है कई बार चौकी जो लगती है मंडी चौकी भी गए हैं। अब पुलिस अधीक्षक की तबियत ग्रह कर चुके हैं लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई साहब, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? संत राम नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सलेमपुर, थाना कोतवाली फतेहपुर। अच्छा, लेकिन जो है आपके बेटे की शरीर पर जो मौत हुई, हत्या जो हुई है, जैसे आपका कहना हत्या हुई है, तो पढ़नी नगर कोतवाली में हुई है, मंडी चौकी लगती है, ठीक है ना? मंडी चौकी। अच्छा, तो कैसे क्या मामला हुआ है कि आपको कैसे जानकारी कि आपके बेटे की हत्या हुई है, क्या मामला है, कैसे जानकारी, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। हम जो है 22 तारीख हमारा बेटा आ रहा है, 22 अक्टूबर को। हाँ, 22 अक्टूबर 2023 को हमारा बेटा लोलू मॉल कह करके आया। अच्छा, दोस्तों के साथ लोलू मॉल जा रहे हैं, तो उसके बाद में जो है हम शाम को फोन किए 4 बजे, तो बेटा कह सके हम लखनऊ से बाराबंकी आए क्या नहीं, दोस्त के यहाँ रुके हैं जी। उसके बाद 7 बजे जब उनकी मम्मी फोन करी से, क्योंकि हम दूसरी जगह रहन, क्योंकि मम्मी जब फोन करी तो कही से कि हम यहाँ दोस्त के रूम में यहाँ रुके हैं, हिमांशु बुलाइन है, तो हिमांशु दोस्त के रूम में यहाँ रुके हैं और कल घर का आ जावे सवेरे, कहन भैया हम खाना ज़्यादा बना डालन, तो कहीं सवेरे हम आए कि यहाँ खा लेवे। उसके बाद जब दोपहर तक हमारा भैया नहीं पहुँचा तो हम फोन मिलावे शुरू करें, बेल जात रही और घंटी नहीं उठी। हाँ, लेकिन जो है तो कब आपको सूचना मिली कि जो है आपके बेटा यहाँ पर मौजूद है? फिर हम 24 को या 25 के यहाँ जब यहाँ आए हैं नगर कोतवाली के यहाँ। अच्छा, तो यहाँ जब प्रार्थना पत्र दें तो जो है कोतवाल साहब थोड़ी देर में अपने मोबाइल पर यहाँ एक फ़ोटो देखें, कहीं पहचानो, तो हम कहें हाँ साहब हमारे भैया आए, तो कहें पल्हरी जाओ और वहाँ कौशल यादव के मकान में यहाँ उनकी लाश है। अच्छा। तो पल्हरी गाँव के यहाँ और कहीं पुलिस लाश किस परिस्थिति में आपको वहाँ मिली थी, आपने देखा तो लाश किस परिस्थिति में थी? जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो कौशल यादव के मकान में यहाँ 2 मंजिल पर कमरा रहा है और उमा वही हिमांशु जो है कमरा ले रहा है। अच्छा। हिमांशु वर्मा, तो जब पहुँचना है वहाँ पर यहाँ तो केबल से नहीं लटकाई रहा है, महिमा मोटी वाली तौलिया ठूसी रहा है और जो है नीचे खून पड़ा रहा है। अच्छा, नहीं शरीर पर चोट की निशान है, खून भी पड़ा था? नहीं, शरीर पर चोटें भी रहे। अच्छा, और खून भी पड़ा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या उसके पैर जमीन को छू रहे थे क्या? बगल में यहाँ तख्त रहा है, उसके बगल दीवार लगभग 1-1.5 फीट की जगह है, ज़्यादा नहीं जगह रहा है, थोड़ी से चाहे हमारे भैया तख्त पर पैर रख लेते हैं और चाहे विंडो पर पैर रख लेता है, विंडो बगल में यहाँ रहा है। अच्छा, यानी कि जो है आत्महत्या नहीं हो सकती है, आपका कहना है कि हत्या की गई है? हत्या करी गई है। और जो है भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ और जिला प्रशासन को पुलिस प्रशासन भी कहना चाहता हूँ कि इतनी जगह थी कि वहाँ पर जो है वो तख्त पर भी पैर टिका सकता था। कोई भी आत्महत्या करता है तो आप जब अंत समय आता है तो छटपटाता है कि जो है बच जाए, बचने का प्रयास करता है, उसका ब्लड नहीं आता है, लेकिन ब्लड वहाँ पर था, इसलिए कहीं कहीं हत्या प्रतीत होती है, प्रतिरोध कभी कर दिया कि हत्या की गई है। तो आप तक जो है FIR दर्ज हुई है आपकी? हाँ, FIR दर्ज हुई है। अच्छा, तो आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई गिरफ्तारी नहीं भैया। ठीक है, आज आप पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उप विवेचक जो है मिथिलेश चौहान विवेचना कर रहे हैं, तो हम जो है वही शुरुआत से मिले रहे। अच्छा, आपका कहना है कि जो मंडी चौकी इंचार्ज विजय चौहान जी, कमलेश चौहान जी है, मिथिलेश चौहान जी है, वो मिले हुए हैं विपक्षी? आप जो है मिले हैं तो क्या आश्वासन दिया कि जो है विवेचक बदला जाएगा? हाँ, विवेचक कहीं नहीं, विवेचक बदल देवे। अच्छा, तो इस तरीके से विवेचक बदलने का सोच, लेकिन हाँ विवेचक बदलने से नहीं होता, जब ठोस कार्रवाई की जाएगी तभी पीड़ित को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इशारा करता है कि हत्या की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है परिजनों को बरगलाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है कि जब ब्लड पड़ा था, एक सी जगह नहीं थी तभी जो है हत्या की गई, कि हत्या की कार्रवाई न करके वो आत्महत्या साबित करना चाहिए, पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी है कि सही ढंग से जाँच नहीं करती है। अब पुलिस अधीक्षक जो तेज तर्रार दिनेश जी हैं, उन्होंने आदेश किया है और जो है उन्होंने आश्वासन दिया है, तो अब जो है इसमें सही ढंग से न्याय होने की संभावना है, लेकिन हाँ देखना यह है कि किस तरीके से विवेचक बदलने पर इनको पीड़ित को न्याय मिलता है, कि हत्या को जो है आत्महत्या में दर्शाने का प्रयास करती है, इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन RS शर्मा के साथ बाराबंकी।